हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है जी आप सबका एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जी जॉब्स की। देखिए, जॉब तो कनाडा में के हर किसी को करनी है, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो वर्क परमिट वाले हों, या फिर परमानेंट रेजिडेंस हों। तो ऐसे ही किसी एक जॉब पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है जी डिलीवरी जॉब्स। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके डिलीवरी की जॉब्स करना पसंद करते हैं क्योंकि आसान होती है। बाकी मैं तो नहीं जानता सारी की सारी जो भी डिटेल है कि जॉब कैसे रहती है, कैसे सर्च करनी है, या कितने पैसे बना सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, ये सारी की सारी डिटेल हम लेंगे इम्तियाज से। तो सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं जी आपका। आपने पीछे कुछ वीडियोस में देखा होगा इनको, मेरे क्लासमेट हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। तो थैंक यू सो मच कुछ आपका प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू तंजील, वेलकम है आपका। और बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, डिलीवरी जॉब्स। हम एज ए स्टूडेंट या वर्क परमिट आते हैं तो हमको ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है और अच्छी अर्निंग भी है, तो डिलीवरी जॉब्स पर डिस्कस करना बहुत अच्छा रहेगा आज जी। तो सबसे पहले तो इम्तियाज भाई, ये बताइए कि विनीपेग में और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपने डिलीवरी की जॉब ही क्यों चूज की, सबसे पहले तो ये बताइए आप। लास्ट ईयर पूरा एज ए स्टूडेंट हमने काम किया, और स्टूडेंट बींग स्टूडेंट यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना और लाइसेंस लेना बहुत लंबा होता है, तो लगभग ये प्रोसेस में 8-9 महीने निकल गए और ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। तब तक मैं वर्क परमिट पर आ गया, तो मैंने सोचा कि फुल टाइम जॉब करना जरूरी है जो पीआर के लिए है, और सेकेंडरी जॉब जो है वो एज ए डिलीवरी ड्राइवर हम लोग कर सकते हैं, जिसे कुछ हमारी एक्स्ट्रा इनकम आ जाएंगी। ओके, तो इसमें आपको मतलब कि सबसे, अगर मैं एक एडवांटेज की बात करूँ कि सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है डिलीवरी जॉब्स का, कि कुछ फ्लेक्सिबल टाइम ऐसा कुछ आपको मिलता है, ये एक फिक्स टाइम पे ही आप ये जॉब कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हम एक परमानेंट जॉब करते हैं जो फुल टाइम होता है, जिसमें हमारे 4 या 5 दिन आप कंसिडर करके चलो कि 5 दिन चल जाएंगे, फिर भी आप 2 दिन जो है आप फ्री रहते हो, और मोस्टली हमारे जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो इंगेज होते हैं अपने काम करने में। बिल्कुल, उस 2 दिन अगर आप फ्री हो तो उस 2 दिन जो है आप अपने डिलीवरी जॉब्स कर सकते हो, और बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मतलब कि सबसे पहला पॉइंट तो यही है जी कि आपको एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जैसे कि भाई ने बताया है कि मतलब कि कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं रहता, कि बाकी सारी जॉब जो भी हम परमानेंटली पीआर के लिए करते हैं कि सुबह जाना है 9 बजे, शाम को 5 बजे ख़त्म होगी, या फिर इवनिंग शिफ्ट है 3 बजे जाना है 12 बजे ख़त्म होगी, कुछ ऐसा नहीं रहता है। तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, कि आपको वीकेंड्स पे करना है तो तब कर लो, या फिर नाइट्स में करना है पूरा वीकडेज में तो वह तब कर लो। तो रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं नॉर्मली, जैसे कि हम पिज़्ज़ा शॉप पे या रेस्टोरेंट्स पे अगर डिलीवरी करनी है हमने, तो उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स भी रहती हैं, मतलब कि वो क्या चेक करते हैं कि आपके पास व्हीकल होना चाहिए, या और क्या क्या चेक करते हैं वो? सही बात है, जैसे हम कनाडा में आते हैं तो अनलाइक अदर कंट्रीज़, यहाँ पर हमको रेफरेंसेस बनाने पड़ते हैं। हमारे फ्रेंड्स अगर उस रेस्टोरेंट में और पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स में या ग्रॉसरी शॉप में या सुपरमार्केट में काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। तो ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप अपना रेफरेंस बनाएं, जिससे आपको फ्यूचर में जॉब मिले। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कार होनी चाहिए। बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनके पास कार ऑलरेडी होती है वहाँ पर, जो हम जाकर के ड्राइव कर सकते हैं, दे देते हैं, लेकिन फूड सेक्टर में बहुत कम है ऐसा। बाकी डिलीवरी जॉब्स में ऐसा है, जैसे पार्सल डिलीवरी, कुरियर डिलीवरी, उसमें ऐसा है, लेकिन फूड में तो आपको अपनी कार और आपका व्हीकल होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको मेंशन कर दूं कि जो डिलीवरीज की जॉब है वो बेसिकली 2 तरीके से होती है। एक तो होता है कि जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जैसे कि स्किप हो गया, ऊबर हो गया, डो डैश हो गया, जो कि ऑल ओवर कनाडा में ही बेसिकली चलते हैं। तो एक तो या तो आप उनसे टाई अप करके उनकी डिलीवरीज कर सकते हैं, या फिर सेकेंडली जैसे इम्तियाज़ करते हैं कि डायरेक्टली इन आप डोमिनोज के साथ काम करते हैं बेसिकली, तो डोमिनोज से इन लोगों ने मतलब कि डायरेक्टली टाई अप किया, डायरेक्टली उनसे बातचीत की, तो ये इनका स्किप ऊबर से मतलब के काम बिल्कुल हट के रहता है। ये आपको वो शिफ्ट्स वगैरह मतलब के वीक में देते हैं, या कैसे आपका ये प्रोसेस कैसे काम करता है? जैसा ऐसा है कि अगर मैं एक फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, और फुल टाइम में भी अगर आपको लगता है कि शाम को आप फ्री हो जा रहे हैं, तो उस टाइम आप अपनी अवेलेबिलिटी दे दो। उस टाइम पर आपको वो शिफ्ट बना देंगे आपकी शिफ्ट, या और 2 दिन आप फुल फ्री रहते हो तो मॉर्निंग टू इवनिंग या मिडनाइट जब भी आपको फुल टाइम देना है, तो उस टाइम पर आप अपनी रिक्वायरमेंट दे दो कि भाई मेरी इतनी मैं इतना अवेलेबल हूँ, वो आपकी शिफ्ट ज़रूर दे देंगे वहाँ पे।
ओके, तो इसके अलावा सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन रहता है जी वो है अर्निंग का, ऑब्वियसली कि अगर ऑन एन एवरेज हम विनीपेग की बात करेंगे कि विनीपेग में अगर हम मतलब के 4 से 5 घंटे की डिलीवरी करते हैं जैसे कि आप कर रहे हो, तो कितनी अर्निंग हम कर सकते हैं ऑन एन एवरेज? सही है, अगर मैं पर्सनली मेरी बात कर रहा हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ डोमिनोज में, कि अगर मैं मॉर्निंग टू इवनिंग फुल फ्री रहता हूँ और 2 दिन फ्री रहता हूँ, मॉर्निंग 10 o'clock स्टार्ट करता हूँ डिलीवरी और मिडनाइट 1 o'clock या 3 o'clock तक करता हूँ, तो वो हमारा, अगर मैं वीकेंड में 3 o'clock करता हूँ तो बहुत अच्छे चांसेस है कि बहुत अच्छे पैसे बना लो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वीकडेज में आप $50 to $200 ऑन एन एवरेज अगर फुल टाइम आप कर रहे हो मॉर्निंग टू इवनिंग, ओके, और वीकेंड में आप मॉर्निंग टू मिडनाइट कर रहे हो तो मे बी $100 to $300 पर डे। तो अगर हम आवरली वेज की बात करें तो कितना, मतलब के $15-$20 के आसपास बना सकते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट की जाएं तो अगर वीकडेज में है तो $10 to $15 पर आवर, और अगर हम वीकेंड की बात करें तो $15 to $25 अन आवर हम बना सकते। तो इसमें बात यही है जी कि वीकडेज में देखिए थोड़ी सी इनकम कम रहती है, वीकेंड्स में लोग क्योंकि मतलब के ऑर्डर ज़्यादा करते हैं, पार्टी शार्टी ज़्यादा करते हैं, तो जैसे कि हम घर पे ही बैठे हैं, ठीक है, 4-5 दोस्त आए हुए हैं तो कुछ पिज़्ज़ा मंगवा लिया, तो उसमें हम टिप भी, टिप की बात मैं करूँगा आपसे कि उसमें डिलीवरी के ऑर्डर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली होते हैं, डिलीवरी के जो ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है दिमाग में कि टिप्स, एक तो आपकी बेसिक जो आपको मतलब के डिलीवरी के कितने पैसे मिलते हैं और उसके अलावा आपको टिप के कितना बन जाता है, मतलब के टिप के चांसेस क्या रहते हैं? डिलीवरी जैसे हमारे सारे पिज़्ज़ा शॉप्स हैं तो वो ऑलमोस्ट $4 to $6 डिलीवरी चार्जेस पे करते हैं। ओके, एक डिलीवरी का, एक डिलीवरी का अपनी तरफ से वो लोग चार्जेस करते हैं। ओके, और जैसे हम पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जाते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर्स आए हुए हैं होते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको टिप्स कितना मिला हुआ है। ओके, खासकर से आप अनपेड ऑर्डर्स अगर आप लेकर के जाते हैं और कस्टमर आपके सामने पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको टिप्स वगैरह मिल जाए। ओके, और वीकेंड्स में ज़्यादा टिप्स मिलती हैं और वीकडेज में भी मिलती हैं, सब मिला जुला करके टिप्स बहुत मायने रखती है जो आपके बेसिक वेज और टिप्स को मिला करके अच्छी अर्निंग। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आपने $100 बना है आपको तो कहीं ना कहीं टिप्स का कितना रोल रहता है, मतलब कि 40% आपकी टिप्स हो जाती हैं, 60% आपका बेसिक पे रेट ऐसा हो जाता है? बिल्कुल सही कहा, 60% बेसिक पे रेट होता है और 40% ऑलमोस्ट हमारा जो है वो टिप्स का। तो टिप्स का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है। क्या कुछ ऐसा भी रहता है कि आपको वो रेटिंग छोड़ते हैं या ऐसा कुछ इसमें भी रहता है या वो जस्ट ऑनलाइन पोर्टल्स में स्किप वगैरह में होता है? नहीं, ये डोमिनोज डिलीवरी में ऐसा कोई कुछ नहीं होता है कि वो रेटिंग देते हैं। ओके, वहाँ पर सीधे हमको अपनी सर्विसेज देनी होती है। लेकिन फिर भी अगर डिलीवरी करने जा रहे हैं तो हम अपना एक मतलब के अच्छा बिहेवियर शो करें, मतलब के टाइम टू टाइम डिलीवरी करें, ऐसा ना हो कि भाई पिज्ज़ा लेके जा रहे हैं वो ठंडा हो गया, क्या उसने घंटा मतलब के हमें कोई टिप क्यों देगा, राइट? सही है, तो मतलब के अच्छे से टाइम से डिलीवरी करें। तो इस जॉब के बारे में अगर आप कुछ और टिप्स वगैरह शेयर करना चाहें या अपना एक्सपीरियंस कुछ भी ऐड करना चाहें व्यूअर्स के लिए तो आप कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जितनी जल्दी आप आ रहे हैं कनाडा में, सबसे पहले यही है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं और एक अच्छी कार खरीदें, हाई जो आपको हाई माइलेज दे सके, आप रोड पर हों तो आपको सपोर्ट करे वो कार, क्योंकि ड्राइविंग जॉब्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है मॉर्निंग टू इवनिंग, बहुत किलोमीटर्स चलाने पड़ते हैं आपको, तो एक अच्छी कार होनी बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है जैसे मैंने बताया बहुत लेंदी प्रोसेस है तो उसको लेना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और माइंड में क्वेश्चन आया है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, कार का माइलेज हो गया, आपने बताया कि उसका फ्यूल हो गया, वो कौन बियर करता है? वो हम ड्राइवर्स बियर करते हैं या फिर कंपनी भी उसमें कुछ कंसेशन देती है हमें, ऐसा कुछ रहता है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे अगर मैंने बताया कि $15 to $25 अर्निंग करते हैं जी, तो हमारे जितने भी पिज़्ज़ा शॉप्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी चीज़ें हम बियर करें, खासकर से कार की माइलेज एंड फ्यूल जो है, इवन मेंटेनेंस, हम लोग जो भी मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा है वो सब हमारा रिस्पांसिबिलिटी है। हम लोग एज ए कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर काम करते हैं, एज ए परमानेंट एम्प्लॉई काम नहीं करते। हमारे ऊपर ऐसे बॉस नहीं होते वहाँ पे कोई कि हाँ भाई आपको ये शिफ्ट आ करके करनी है और जो है तो ही हम पे करेंगे। वही फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाती है कि आपने काम किया उतने घंटे
उसके आपको पैसे मिल गए जी। तो जी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इम्तियाज भाई से आज मिली है हमें, तो अगर आप भी डिलीवरी की जॉब करना चाहते हैं कनाडा में आके, तो आप लाइसेंस अपनी कंट्री से ही लेके आइए सबसे पहले, जिसकी वजह से आपका जो लाइसेंस कैनेडियन लाइसेंस है वो आसानी से आपको मिल जाएगा, कम टाइम में मिल जाएगा। देन उसके बाद में एक अच्छा व्हीकल देखिए, फिर कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट देख के आप उसमें डिलीवरी की जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आई होगी। आने वाली और बहुत सारी वीडियोस, डिफरेंट डिफरेंट हम एक्सपीरियंसेस, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें हमें कितनी अर्निंग हो सकती है, कौन सी अच्छी जॉब्स हैं, कौन सी जॉब हमें स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए, ये सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इम्तियाज़ भाई।